हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गार्जियन ऑफ ग्रीन। तो आज मैं आपके किचन के लिए एक मस्ट हैव पौधा जो कि आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करूंगा। जी हाँ, ये जो पौधा आप देख रहे हैं उसे ऑल स्पाइस पौधे का नाम है, जो आपके किचन में होना ही चाहिए। इसके बहुत सारे यूजेज है, मेडिसिनल एज वेल एज आपके किचन में जो डिशेज होती है उसको बहुत खुशबूदार बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो एक एक करके डिटेल से मैं इस पौधे के बारे में पूरा डिटेल चर्चा करूंगा आपसे। और बहुत इजी टू ग्रो है, आसानी से ये आपके बालकनी और छोटे से पॉट में भी लग जाता है। तो हर एक स्टेप पर मैं पॉइंट बाई पॉइंट इस वीडियो में चर्चा करूँगा, आप वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ये पौधे का जो ओरिजिन है वो वेस्ट इंडीज कंट्री का ये ओरिजिन है पौधा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वेस्ट इंडीज के साइड का पौधा है तो ये गर्मियों को पसंद करता है ऐसा पौधा। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे इंडियन क्लाइमेट में भी ये पौधा ढल चुका है। और हमारे इंडियन क्लाइमेट में भी ये पौधा, ये दिखाया मैंने कि छत के नीचे भी ये ग्रो कर सकता है। अभी जो आपने वीडियो में देखा कि छत के नीचे भी बहुत ईजी ग्रो कर सकता है, तो ये मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी ग्रो है, तो इंडियन क्लाइमेट को अडॉप्ट कर चुका है। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा से साउथ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमारे बाकी इंडिया में ये थोड़ा कम यूज होता है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस पौधे को ऑल स्पाइस सबसे पहले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 स्पाइस, अगर इस पत्तियों को आप थोड़ा सा तोड़ के अगर स्मेल करेंगे नाक से तो इसमें एक गर्म मसाला की तरह बहुत सारे मसालों की खुशबू आएगी आपको। तो इसमें करीब 4 मसालों का खुशबू होता है मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत तरह की खुशबू होती है लेकिन लौंग, जायफल, दालचीनी और काली मिर्च का एक मिक्स सा खुशबू होता है इसमें, बहुत खुशबूदार आपके डिशेज को बनाती है, जो आपके घर में पुलाव, खीर वगैरह में बहुत यूज होता है। तो आगे चल के मैं यूज भी बताऊंगा इसमें। तो इंडिया के क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी रीजन में हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो होगा। अब बात करते हैं इसके ये पॉट साइज कैसा होना चाहिए। तो आप 7-8 इंच से लेके 12 इंच तक के पॉट में बहुत ईजी ग्रो होगा। ग्राउंड पे भी, ज़मीन पे भी लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा सा वृक्ष का भी रूप ले लेगा लंबे टाइम के बाद। तो आप 12 इंच के गमले में भी, 8 इंच के गमले में भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। सेमी शेड इलाके में भी ग्रो करेगा, जहाँ 1-2 घंटे की भी धूप आती है तो वहाँ भी ग्रो होगा। इसलिए क्योंकि इस पौधे का यूज हम पत्तियों के लिए करते हैं, पत्तियाँ हमें चाहिए, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हमारे हम के लिए इस पौधे का यूज नहीं करते। तो इसलिए कम लाइट में भी अगर, लेकिन हाँ, डायरेक्ट सन कम से कम 2-2.5 घंटे का मिलना चाहिए। और एक आइडियल सिचुएशन वो है जहाँ इसको 5-6 घंटे का होगा तो ये अपने पूरी पोटेंशियल के साथ ग्रो करेगा। बट आप बालकनी गार्डन में भी लगाएंगे, जैसा कि इस तरह के देख सकते हैं छत के नीचे मेरा ये पौधा लगा है, तो आपका बहुत ईजिली ग्रो होगा। तो किसी भी कंटेनर में आप ग्रो बैग वगैरह में यूज करें। अब बात करते हैं सॉइल कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। तो ये इसके लिए कोई खास सॉइल की जरूरत, किसी भी तरीके के सॉइल में हो सकता है, इवन ग्राउंड पे हो सकता है। लेकिन एक आइडियल सॉइल ये है कि आप 50% गार्डन सॉइल, 30% आप काउडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, 20% सैंड अगर पॉट में लगाते हैं तो एक आइडियल है। बाकी आप जो है कोकोपीट वगैरह में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ खास इसके साथ सॉइल का है नहीं। तो ये तो सॉइल कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। सबसे पहले तो इसमें कोई भी पेस्ट अटैक वगैरह आपको बहुत रेयर दिखेगा कि कभी इसमें पेस्ट अटैक हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इसकी खुशबू ऐसी है ना कि अपने आप को पेस्ट से बचाता है, ऐसे पौधों पर पेस्ट लगता नहीं। फिर भी आप चाहे तो महीने में या 2 महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें, बाकी इसमें ऑलरेडी किसी तरह का पेस्ट नहीं लगता। हाँ, बीच बीच में पानी का स्प्रे करें ताकि पत्तियाँ साफ रहे, अच्छे से इसका फोटोसिंथेसिस हो। और फर्टिलाइज़र में आप 2.5-3 महीने पे थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आप मिट्टियों में डाल दें। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन पानी का ध्यान रखें, पौधा पूरी तरह से जड़ नहीं सूखे, पौधा सूखना नहीं चाहिए, पानी इसके अंदर होना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो पर डे थोड़ा सा पानी इसमें डालें, सर्दियों के मौसम में आप उसके अनुकूल, मतलब ऊपर का अगर 1-1.5 इंच लेयर सूखा हुआ है तो आप उसके अंदर पानी डालें। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो इसका यूज अब इसी वीडियो में मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से बिरयानी में, वेज बिरयानी में इसका यूज किया है। तो साउथ के तरफ तो इसका खाने में बहुत यूज होता है, यूरोपियन डिशेज में भी बहुत यूज होता है, वेस्ट इंडीज डिशेज में भी बहुत इसका यूज होता है। हमारे यहाँ आप पुलाव या अगर इसको बनाते हैं बिरयानी तो उसमें भी बहुत अच्छा खाने की खुशबू को बढ़ा देगा। इसकी पत्तियों को आप सुखा के भी रख सकते हैं और तेजपत्ता को जैसे यूज करते हैं उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एरोमा आपके खाने में बहुत अच्छा खुशबू बिखेर देगा। तो ड्राई लीफ को आप चाहे तो तेजपत्ते की जगह यूज कर सकते हैं, इवन आप टी में भी
यूज कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों को इस तरह का स्मेल का टी पसंद नहीं आता है, बट टी में भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो में अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे एक बिरयानी में यूज किया है। कल ही मैं इसको बनाया था तो सोचता उस वीडियो को मैं अटैच करूँ। तब इस तरह के बहुत सारे किचन गार्डन रूफ गार्डन से रिलेटेड यूजफुल वीडियो मैं चैनल पर डालता हूँ, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल पर बने रहें। तो ये देखिए, ये बिरयानी का रेसिपी है जिसमें मेरा चावल हो गया। ये लीफ जो देख रहे हैं साइड में, इसी को मैंने सूखा नहीं, मैंने हरा ग्रीन लीफ डाला था जो कि गर्म होने की वजह से इस तरह से दिख रहा है। तो पूरे राइस के अंदर बहुत अच्छा इसका फ्लेवर जाता है। तो इस तरह से बिरयानी के अंदर मैंने इसको यूज किया है। तो आप देख सकते हैं, ये मैं कल ही बनाया, मैं कुकिंग का भी शौक़ रखता हूँ। और ये पूरी बिरयानी बनने के बाद बहुत अच्छा एरोमा देता है। ये बिरयानी हमारा तैयार है। तो कुछ फोटोग्राफ के साथ आपको छोड़ देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड थैंक्स टू वॉच आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।